गाइस आज हम लोग इस पॉलीथीन की मदद से बहुत ही मज़ेदार पतंग बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। पहले इसके जो पन्नी है इसके आगे के हिस्से को कुछ इस तरीके से काट देंगे। और गाइस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जोर देंगे क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में एक एक स्टेप समझाया है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आगे का हिस्सा काट दिया है। काट देने के बाद पीछे वाले हिस्से को भी कुछ इस तरीके से काट देंगे, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और गाइस इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आप मेरे एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस जो पतंग का परफेक्ट शेप है उसे निकालने के लिए हम लोग बगल से कुछ इस तरीके से पन्नी को कटिंग कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी कटिंग करके आपको आगे बताता हूँ। पॉलीथीन को कुछ इस तरीके से मोड़ देंगे और फिर इसके परफेक्ट शेप को निकालने के लिए हम लोग बगल से कुछ इस तरीके से काटेंगे, आप लोग सीजर की मदद से काट सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर काट देता हूँ। पन्नी को कट कर लेने के बाद हमारा जो पतंग का शेप है वो निकल के आ चुका है, तो चलिए अब इसके ऊपर स्टिक चिपकाते हैं। मैंने यहाँ पर बांस की सीक ली है, आप चाहे तो झाड़ू की सीक भी ले सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी सेलो टेप की मदद से यहाँ पर चिपका देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेलो टेप का यूज़ किया है, आप चाहे तो किसी भी टेप से चिपका सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे चिपका के आप लोगों को आगे बताता हूँ। और गाइस आप लोग इसे घर पे बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, बस आपको इसे बनाने के लिए पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर एक और स्टिक लेंगे और इस स्टिक को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस स्टिक को लगा देता हूँ। तो चलिए मैं पन्नी की एक साइड पे स्टिक को चिपका देता हूँ ताकि हमें आसानी हो स्टिक को चिपकाने में। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी सेलो टेप की हेल्प से यहाँ पर चिपका देता हूँ। अब हम लोग इसकी दूसरी साइड को भी कुछ इस तरीके से चिपका देंगे, तो चलिए मैं चिपका के आप लोगों को आगे बताता हूँ। और गाइस इस पतंग को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आप मेरे एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस जो हमारी पतंग है वो बन के तैयार हो चुकी है, तो चलिए इसकी पूंछ को जल्दी जल्दी चिपका लेने के बाद आप लोगों को मैं इसे उड़ा करके भी दिखाऊँगा। तो चलिए अब इस पतंग को उड़ा के देखते हैं कैसी उड़ रही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पतंग जो है वो कितना अच्छा फ्लाई कर रही है। तो गाइस आप लोगों को काइट अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि जो काइट है बहुत ज़्यादा दूर है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।